हमें कीमत नहीं है, इसलिए हम ये कह पाते हैं कि हम सम्मान है दिल में नहीं प्रदर्शित करेंगे। हम कह पाते हैं कि आपने हमें वोट का अधिकार दिया है, हम नहीं यूज करेंगे। बातें बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगता है राइट ड्यूटी ऑफ वोट भर क्यों, वो 11 ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A में है वो भी कंपलसरी करो ना भाई, क्यों जरूरी नहीं है वो ड्यूटीज मैंडेटरी करना, क्यों जरूरी नहीं है उनको एनफोर्समेंट के लिए कंपलसरी करना। व्हाई कैनॉट समबडी गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ पिटीशन एंड से मेक दिस मैंडेटरी, I want to perform my duty। हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, हमको सबको अधिकार पता है, हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हमको इक्वालिटी है, हमको फला है ढिका है, राइट टू लाइफ। किसी स्पीकर ने यहाँ, प्रवीण भाई कहीं बैठे हैं, उन्होंने बोला 3 महीने तक तो 21 पर बहस हुई, बिल्कुल सही है, लेकिन 3 महीने की बहस के बाद जो आर्टिकल 21 बन के आया वो एक लाइन का है, और जब आप उस आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इनोकुअस सा सेंटेंस है, एवरी पर्सन हैज राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें 3 महीना। लेकिन जब आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आर्टिकल 21 पर पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस एक सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कहां से कहां पहुंचा दिया। राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करके बताया कि जो आप ये सांस ले रहे हैं ये नॉन पोल्यूटेड एयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और ये आपका मूलभूत अधिकार है। दैट इज द राइट टू ब्रीद इज राइट टू लाइफ, राइट टू हैव अ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर इज राइट टू लाइफ। और यहां तक कि एशिया लेबर केस के जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ अ वुमन टू टेक बाथ इन प्राइवेसी इज हर राइट टू लाइफ। एक लाइन का वो सेंटेंस इंटरप्रेट होके कहां से कहां पहुंचा कि एक महिला को यदि प्राइवेसी में बात करने का हक नहीं है तो उसका राइट टू लाइफ नहीं है, आप छीन रहे हैं, बिकॉज वुमेन्स प्राइवेसी इज सिंबॉलिक of her dignity। In Vishakha's judgment it has been held that a woman, the definition of woman is modesty personified। तो जब आप उन एक एक वर्ड पर एनालिसिस करके उसकी व्याख्या करते हैं तो नया स्वरूप सामने आता है। ये संविधान के एक एक शब्द जो लिखे हुए हैं, मैं मानता हूं कि इससे बेहतर संविधान विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई हैव रेड मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड and having read that I came to the conclusion that this is the masterpiece of a legislation which is given to us। aur aaj agar isme kuch defects hain jo humko dikhte hain to wo defect isliye nahi hai ki constitution ki drafting mein kuch gadbadi hai, wo defects isliye hain kyunki hamare character mein gadbadi hai। We do not deserve this constitution। ये इतना खूबसूरत ग्रंथ है कि हमको अपने आप को उसके स्तर तक उठाना पड़ेगा। हम समझ ही नहीं पाते। अरे ये जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का हक है, ये बहुत बड़ा हक है। कितने देशों ने आपको यह हक दिया है कि आप जो चाहे बोल दें? यह हक नहीं है हर देश के संविधान में, लिमिटेड देश हैं जहां पर यह हक है। और संविधान तो छोड़िए, मेरे तो घर में भी नहीं है ये, मेरी बोलती बंद, इसलिए मैं संजय से बीच बीच में कहता हूं भाई माइक का एक एग्जाम करो कुछ बोल लो, क्योंकि घर में बोलती बंद है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं अलाउड है।
और जिनका ब्याह हो चुका है वो शायद मेरी बात समझेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो थोड़े दिन बाद समझ जाएंगे। पर संविधान की खूबसूरती के पीछे बहुत 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 बड़ा उपक्रम है, बहुत लोगों का योगदान है और बहुत बड़ी मेहनत है। आज आप में से किसी ने कहा, किसी लेडी स्पीकर ने यहाँ पर बोलते हुए कहा कि आज अगर आप कोई चीज़ करना चाहें तो वो संभव नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी उसके खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। तो आप सोचिए उन लोगों की मेहनत जिन्होंने, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया कि मद्रास से लेकर पंजाब तक और बंगाल से लेकर केरला तक कैसे सब विभिन्न लोगों को एक कर दिया। ये एक करना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे लोगों की उसमें बलिदान है, तब जाकर केरल से बंगाल और तमिलनाडु से पंजाब तक ये देश एक बन पाया है। और इस एक देश को बनाने के बाद किसी वक्ता ने कहा कि आर्टिकल 44 रिक्वायर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी बिल्कुल, आर्टिकल 44 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये रखा गया। आपको मालूम है मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के स्वप्न थे कि हम ऐसा भारत देश चाहते हैं। पर उन्हें ये भी रियलाइजेशन था कि हम अपनी लाइफ टाइम में ये अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में लिख दिए और उम्मीद की कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इस दिशा में प्रयास करेंगी और ये अचीवमेंट्स करेंगी। उन्हीं में आर्टिकल 44 है जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक दिन आएगा। सक्सेसिव गवर्नमेंट ने प्रयास भी किए, हर गवर्नमेंट ने प्रयास किए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन देखिए मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि वो सफल नहीं हो पा रहे, इतना जल्दी आक्रोश आ जाता है लोगों में। पर संविधान इस सब के बावजूद बन पाया, पारित हुआ और लागू है और आज तक चल रहा है, ये कितना खूबसूरत ग्रंथ है। समझिए इस बात को। और जो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो संविधान को नहीं मानता, उसके खिलाफ प्रदर्शन करता है, उसके खिलाफ एक्टिविटीज करता है, ये सच है। पर वो सेक्शन ये करने के बावजूद भारत का अंग 70 साल से है, यह खूबसूरती भी तो इसी ग्रंथ की है, यह खूबसूरती भी तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान की है कि आप उस ग्रंथ का विरोध करके भी इस देश का पार्ट हैं। आप पर कोई गोली नहीं चला रहा, 10,000 लोग कोई नहीं मार रहा, आपको यह स्वतंत्रता है कि ऑल राइट, आप ये नहीं मानते ये बात भी कह सकते हैं। ये कह सकने की क्षमता कौन दे रहा है? यही संविधान दे रहा है, यही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विचार दे रहा है। और यहां पर आज आकर आप जो जो बात कर पा रहे हैं ये भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है, संविधान की देन है। इसे प्लीज संभाल कर रखें। मेरा कहना ऐसा है आप सबसे कि आप सब फ्यूचर के लॉयर्स हैं, कुछ लोग जुडिशरी में जाएंगे तो फ्यूचर के जजेस हैं, कुछ पुलिस में हैं, उनको भी लॉ को अपहोल्ड करके रखना है। तो बहुत सारी गड़बड़ियां, बहुत सारी गलतियां अगर आपको दिखाई भी दे रही हैं तो जैसा कि प्रियम्बल शुरुआत में कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये निर्माण इस देश का वी द पीपल ने किया है और अगर इसमें कुछ गड़बड़ियां रह गई हैं तो उसका रिपेयर वर्क की जिम्मेदारी भी वी द पीपल की है, किसी और की नहीं है। तो प्लीज वी द पीपल के क्रिएशन की जिम्मेदारी आक्रोश से किसी और पर मत डालिए।
आर्टिकल 32 हर एक सिटीजन को ये पावर देता है कि अगर आपको कुछ गड़बड़ी दिख रही है यू कैन मूव द एपेक्स कोर्ट ऑफ द नेशन एंड से ये बर्दाश्त नहीं है, ये गलत है। आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई आपको बहुत बड़े पार्टी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े ग्रुप की जरूरत नहीं है, एक आदमी अकेला। और ये इसी संविधान ने ताकत दी है आपको। Use Article 32, move the apex court of the nation and stand up against injustice and say this is not tolerable. और इसी संविधान के दायरे में वो गड़बड़ी ठीक कर सकते हैं आप। आपको ट्रक्स जलाने की, टायर जलाने की कोई जरूरत नहीं है। सीखिए बाबा साहब से, पूरा जीवन उनका पढ़ लीजिए, कोई वायलेंस नहीं दिखेगी आप, क्योंकि इसी संविधान में वो अधिकार उन्होंने आपको दिए हैं। और गड़बड़ियां हैं तो उनको रिपेयर भी करने की पावर भी उसी संविधान में दी है। तो मेरा ये कहना है कि राह तो चलने से मिलती है, राह तो चलने से मिलती है, भटक कर ही सही। गुमराह है वो जो घर से निकला ही नहीं। आज के इस संविधान के विषय पर जो चर्चा हुई है और जिन भी विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी, मैं बहुत प्रभावित हो गया, सचमुच बहुत इम्प्रेस हो गया उन विद्यार्थियों से, आपके इस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है आपको, और आपके इस खूबसूरत इंस्टीट्यूट से जिसने संविधान की ओरिजिनल कॉपी और पार्लियामेंट्री डिबेट्स की कॉपी यहाँ लाकर आपके लिए रखी है। और वही परिणाम है डॉक्टर संजय सिंह के इस कोशिश का, जो अपने स्टूडेंट्स को जो भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, गायकवाड़ साहब का जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, कि आज आप इतनी मुखरता से अपने मन की बात यहाँ पर इतनी अच्छी तरह कर पाए। आई एम थरली इम्प्रेस्ड। इतने अच्छे स्पीकर्स मैंने, मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूट में इन्वाइट किया जाता है, मैंने नहीं देखे। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मन की बात कह सकते हैं, ये मंच आपको प्रोवाइड हुआ है, और यही सचमुच सच्ची श्रद्धा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए है जिन्होंने ये मुखर आवाज करने का मंच संविधान के रूप में आपको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।